हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे। नाउ मेरे जितने भी मेंबर्स हैं या फिर मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या फिर हमारे पास जितने लोगों से मैं डील करती हूँ पर्सनली, 90% लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, या जिसको फिशर्स हैं, पाइल्स हैं, या फिर जिसका बहुत ही हार्ड स्टूल पास होते हैं, या फिर जिनके मॉर्निंग में उठ के स्टूल पास नहीं होते हैं, या पूरे दिन में कभी भी इंटरवल्स पे स्टूल पास होते हैं, या फिर जिनका लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हद तक डैमेज है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बर्विंग, पार्टिंग या फिर एसिडिटी एंड लॉट्स ऑफ स्टमक रिलेटेड इश्यूज रेगुलर बेसिस पे रहती है। नाउ ऐसी जो इश्यूज़ हैं, ये सब इश्यूज़ आते हैं आपके डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, आपका किस तरीके का खान पान है, आप किस तरीके की सोच रखते हैं, आप किस तरीके का आपका रहन सहन है, आपके स्लीपिंग पैटर्न कैसे हैं, आपके ट्रैवल कितना है, आप पानी का इंटेक कितना करते हो, उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना है। नाउ पॉइंट इज़, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो चुका है या फिर आपके बाउल मूवमेंट्स डिपेंड हो चुके हैं एक सर्टेन रेमेडी पे या एक सर्टेन टैबलेट पे या फिर लेक्सेटिव कोई भी मार्केट का, तब आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ऑफकोर्स स्लो चल रहा है एंड आपका वेट लॉस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की जड़ की, कि कॉन्स्टिपेशन आता क्यों है, किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन आता है और किसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर आपका 24 घंटे में स्टमक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, देन इट्स गुड टू गो, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका स्टमक 24 घंटे 48 घंटों में क्लियर नहीं होता, ये कॉन्स्टिपेटेड है, आपका स्टमक जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है। ना उसके रीजंस क्या होते हैं, आप अचानक से कोई भी डाइट चेंज कर देते हो तब आपका कॉन्स्टिपेशन आता है। आपके डाइट में फाइबर का इंटेक बहुत ही कम है, प्रोटीन का इंटेक भी कम है, एंड आपके सैलड्स नहीं है, या फिर आपका प्रोटीन का इंटेक इतना ज़्यादा हाई पे है कि आप सारा फाइबर और सारा कार्ब्स निकाल रहे हो एक्सेस वेट लॉस करने के लिए, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन आता है। आपका वाटर का इंटेक बिल्कुल भी नहीं है। रिसेंटली मैंने किसी से बात करी थी एंड उनका वाटर का इंटेक पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लासेस है, जस्ट 2 ग्लास। उनका पूरा स्किन डैमेज है, उनका कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ है, 10 तरीके की और बीमारी है। उसके अलावा अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लाइक 3 से 4 घंटों की नींद पे आप सर्वाइव कर रहे हो और आपको लगता है कि आप हीरो हो या फिर आप सुपरमैन हो, जैसे मैं कभी सोचती थी कि सब कुछ आप मैनेज कर लोगे लाइक दिस, आपकी बॉडी को कभी हार्म नहीं पहुँचेगा, अपना हम लोगों ने अमृत पी रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन वहाँ से भी आएगा, स्वेलिंग आएगी, ब्लोट होगा। आपके खाने में बहुत एक्सेस में मिर्ची है, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले और बहुत ज़्यादा आप तेल वाला खाना खाते हो। आप बोलोगे कि हम तो घर का खाना खाते हैं और हेल्दी खाते हैं, स्टिल हमको कॉन्स्टिपेशन है। ये मिर्ची मसाले बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन को स्वेल कर देते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। एक्सेस में गर्म मसाला, तीखी मिर्चें का खाना, ये सारा का सारा आपके जो स्टूल में है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके इंटेस्टाइन में इतना मैसिव इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अगर आप कोई भी किस टाइप की पेन किलर्स या फिर एंटीबायोटिक्स या फिर आपको खांसी जुकाम बुखार हुआ है, आपने बहुत मैसिव बहुत सारी क्वांटिटी में आपने एंटीबायोटिक्स का इंटेक किया है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। नाउ आता है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने की रेमेडीज परमानेंट, कि क्या क्या हम ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ हो जाएगा, और लगातार अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी फिशर पाइल्स की भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा, फाइबर से लेके नेचुरल लेक्सेटिव भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है आपको एशगार्ड का जूस, वाइट पेठे का जूस एवरीडे लेना चाहिए। आपको कर्ड प्रोबायोटिक है, बहुत अच्छा एक प्रोबायोटिक है, कर्ड, बटर मिल्क, इस सब गुल आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पेशली सैलेड, हर मील से पहले आप खीरा, प्याज, टमाटर और चुकंदर की सैलेड लें विदाउट सॉल्ट, एवरी मील से पहले, स्पेशली योर लंच एंड डिनर से पहले जस्ट एक छोटी सी कटोरी सबकी सैलेड मिक्स करके आप लेंगे, उसमें लेमन डाल के लें। लेमन वाटर कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फाइबर का इंटेक करना चाहिए, उन कार्ब्स बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। मेरे जितने भी कॉन्स्टिपेटेड मेंबर्स हैं, मैं उनके कार्ब्स कभी नहीं छोड़वाती। सो नेक्स्ट सिचुएशन इज, अब हम बात करते हैं लेक्सेटिव की। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैसिव कॉन्स्टिपेशन है एंड आप बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक क्विक रेमेडी जो कि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा मैसिव कॉन्स्टिपेशन है ना, आपको लेक्सेटिव, बाहर के लेक्सेटिव लेने की नौबत आ गई है, कोई भी दवाई लेने की नौबत आ गई है, मैं घर में आपको एक सिंपल लेक्सेटिव बनाना सिखाऊंगी, एक जस्ट अ सिरप जो कि मार्केट के जैसा ही काम करेगा एंड आपका स्टमक जो बाउल मूवमेंट्स है वो क्लियर कर देगा। हमारे खजूर, हमारे अंजीर और छोटे छोटे मसालों से बनाकर हम एक बहुत अच्छे तरीके से एक लेक्सेटिव बनाएंगे, जिसकी हेल्प से आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छे से क्लियर
क्लियर भी हो जाएगा अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे 7 days तक लेते हो, बिकॉज इट्स अ होममेड, घर की बेसिक चीज़ों से बना हुआ है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, ये आपको नुकसान भी नहीं देगा, आपके इंटेस्टाइन को बिल्कुल शांत करेगा एंड उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बट अगेन मैं ये भी बोलूँगी कि इस रेमेडी की भी आदत नहीं डालनी है, टेक इट फॉर 7 days, उसके बाद आप इसको स्टॉप करो, अपनी डाइट आगे लेकर चलो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, एंड उसकी हेल्प से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होता है, नेक्स्ट डे अगर आप अपना वेट चेक करते हो, ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रॉप डाउन होगा, 1 किलो 1.5 किलो तक, मेरा भी रिसेंट मेंबर्स का भी हुआ है। सो या अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा नेचुरल लेग सेटअप। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास जितने पानी, ये 1 ग्लास जितना हम बनाएंगे। हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे डेट्स, ये मैंने 10 डेट्स को सीड्स निकाल लिया है। नेक्स्ट ये मेरे अंजीर, हमारे 10 अंजीर हमने लिए हैं यहाँ पर, ये हम 1 वीक का सिरप बना रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे इलायची, 7 से 8 इलायची। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना जीरा डाल रही हूँ। नेक्स्ट ये रहा मेरा 1/2 चम्मच जितना अजवाइन। अब इन सबको मिला के हम विसल लगाएंगे, इसको हम विसल लगाएंगे 3 to 4, फर्स्ट विसल हाई फ्लेम पे एंड 3 विसल्स लो फ्लेम पे। सो ये बॉइल्ड होने के बाद इस तरीके से दिख रहा है। अब इन सबको हम ब्लेंड करेंगे, आप हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, बट मेरे पास हैंड ब्लेंडर अच्छा है मेरा, इसका पानी थोड़ा सा मैं निकाल दूँगी यहाँ पर, तो इसको ठंडा करके अब मैं ब्लेंड करूँगी। अब हम इस सारे मिक्सचर को स्ट्रेन करेंगे। ओके, अब ये बच गया हमारा मिक्सचर, अब इसका क्या करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे। ओके, सो इस रेमेडी को लेना कैसे है, रोज रात को सोने से पहले इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे 1 वीक के लिए। इसके गर्म पानी के अंदर हम इसके डाल रहे हैं 3 स्पून्स एंड इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको पीकर सोएंगे फॉर 7 नाइट्स। गुड टू गो, ये रहा हमारा बिल्कुल रेडी है सिरप, हमारा नेचुरल लेग सेटअप, इसको अब हम फ्रिज में स्टोर करेंगे, बाहर मत रखना खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये रहा हमारे पास हमारा मिक्सचर जो बच गया था, इसको हम खराब नहीं करेंगे। ये है मेरे पास ओट्स पीस लिए हमने, हमने ये डाल दिया इसमें, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बना लेंगे हम लड्डू, इवनिंग में आप इसको एक लड्डू ले सकते हो एज अ स्नैकिंग चीज़ें, कोई भी खराब खाने की हम नहीं करेंगे। और इसमें मीठा कुछ नहीं डालेंगे, ऑलरेडी हमारी अंजीर खजूर काफ़ी मीठे हैं। ये बन गए हमारे लड्डू, इसको भी हम फ्रिज में स्टोर करेंगे, अदरवाइज ये भी खराब हो जाएंगे। ओके, सो ये रहे हमारे लड्डूस। सो वेलकम बैक जी, आपके घर में जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज हैं, जो कि बहुत सारे टैबलेट में, उनका नाम नहीं लूँगी मेरे पर केस हो जाता है, बहुत सारे टैबलेट्स पे डिपेंड है, बहुत सारे रेमेडीज़ कर चुके हैं, चीज़ें नहीं ठीक हो रही है, आप उनको डेली बेसिस पे ये सिरप पिलाएं रात को सोने से पहले एंड यू विल सी ह्यूज डिफरेंस उनके स्टमक में। आपकी बॉडी का स्वेलिंग कम हो जाएगा, आपका स्टमक ठीक होने लग जाएगा, आपके बाउल मूवमेंट्स क्लियर हो जाएंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही है ना स्टमक को क्लियर करने की, वो हट जाएगी। बट अगर आप ये रेमेडी किसी शुगर पेशेंट को देने जा रहे हो तो उनको प्लीज़ मत दीजिएगा, बिकॉज इट्स नेचुरल मीठा, इसमें मीठा बहुत है, नेचुरल मीठा। सो या दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, टेक केयर जी, बाय बाय।